गरीब हो जी तुम भी इधर खराब में हो भाई दिबा करो ना जाओ और एक मिनट डरो इसी डरो घर जान दो डरो किलो ਯਾਰ ਓਏ ਜੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਫੇਰੋ ਜੀ ਅਦਰ ਮੇਂ ਰਾਜੀ ਅਦਰ ਮੇਂ ਅਦਰ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ ਤਾ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਰਾ ਕੋ ਚਲੋ ਖਤੇ ਜਾਣਾ ਜਬ ਤੱਕ ਖੋਲ ਬੋਲ ਖਤਰੋ ਬਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕਾ आप लोगों को ये इत्तला देते हुए बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जनाब इनायत अली बाकरी साहब ने मेमोरेंडम जो दिया था हमारे केसीआर साहब को उसको मेट्रो लाइन तो कांग्रेस के दौर में सैंक्शन हुई थी। अभी आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया जो कांग्रेस चाहती थी कि मुकद्दर जगहें कुछ डैमेज हो जाने का डर था, हमारे बाकरी साहब की नुमाइंदगी पे वो मसला खत्म होते हुए केसीआर साहब केटीआर साहब ने उसको सैंक्शन दे दिया बगैर कुछ डैमेज हुए। अब मेट्रो लाइन स्टार्ट होगी, ये हम पुराने शहर वालों के लिए और सब की स्टेट के लिए बहुत खुशी और मसरत की बात है। हम सब बहुत ही मशहूर और ममनून हैं केसीआर केटीआर साहब का, हुकूमत का और हमारे चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब का। इसलिए अब मैं गुजारिश करता हूँ इनायत अली बाकरी साहब के दो मौसीबाना और गोल्डन वर्ड्स गोल्डन तेलंगाना के ताल्लुक से कहा जाए। पुराने शहर हैदराबाद में खुशी की लहर दौड़ चुकी है क्योंकि अब मेट्रो रेल पुराने शहर में दौड़ेगी। आवाम में जोश व खरोश है, आवाम जिस मकसद के लिए बेचैन थी, हम बारहा कह रहे थे कि पुराने शहर में मेट्रो रेल ज़रूर आएगी चलेगी, ये हमारा कहना था। और उसी के तहत अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला तेलंगाना रियासत और रामाराव साहब केटीआर साहब का कहना था कि हम ज़रूर पुराने शहर की तरक्की को मद्देनज़र रखकर ही हर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। केटीआर साहब ने जिस तरह से कहा कि मेट्रो रेल पुराने शहर में चलेगी और मगर किसी भी दरगाह या किसी मंदिर या किसी कब्रस्तान या किसी भी मस्जिद को या किसी अनचोखा निजात को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और मेट्रो रेल को बाजाबता उसी तरीके से चलाया जाएगा, मगर कांग्रेस के दौरे इकतदार में जो प्रोजेक्ट बना था उसमें कई चीज़ की खामियाँ रखी गई थी और मस्जिद दरगाह और खासतौर पर मंदिर और कब्रस्तानों को बिला मनूज नहीं रखा गया था और बाजाबता इसको तोड़ने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। उसके बाद जब हमने रिप्रेजेंटेशन किया अली जनाब की चंद्रशेखर साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत को तो उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट को रोके और मैं खुद इसको पर्सनल देख कर ही सैंक्शन दूंगा, उन्होंने सैंक्शन दिया। अब पुराने शहर में सालारजंग म्यूजियम से चार मीनार से फलकनुमा रेल दौड़ेगी और पुराने शहर के लोग भी मेट्रो से इस्तेफादा उठाएंगे, ये खुश आइंदा खुशी की बात है। मगर साथ ही पुराने शहर की तरक्की के लिए हम बारह कहते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का जो मकसद या मफहूम जिस तरीके से है, मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पुराने शहर में पानी की किल्लत ख़त्म हो चुकी है, लाइट का बंद होना मुकम्मल बंद हो चुका है और आप देखेंगे साथ ही साथ पुराने शहर में एक जोश और खरोश के साथ सेटवीन अपना काम शुरू किया है, रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं। हम साथ ही साथ केटीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मेट्रो रेल के साथ सेटवीन को जोड़ते हुए कहा कि सेटवीन अपनी गाड़ियाँ चलाएगा मेट्रो रेल के साथ। ये एक बड़ा पुराने शहर के लिए अचीवमेंट है, एक बड़ा कारनामा है, एक बड़ी रोज़गार के मौके फराहम करने की जगह है। मैं इसके लिए भी केटीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ।